द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन टू वॉच माय ऑल न्यू वीडियोस। मैं हूं उज्जवल कुमार सैन और आज हम बात करें किसके बारे में, यूनिट कन्वर्जन के बारे में, राइट। जैसे आप लोगों ने पूछा था कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, खास करके इसमें थर्मोडायनामिक्स में जो यूनिट का कंसेप्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको दे दूंगा, राइट। तो देखिए, जो यूनिट है थर्मोडायनामिक्स में यूज़ करते हैं, या तो डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ करेंगे, या तो केल्विन यूज़ करेंगे, या तो फ़ारेनहाइट यूज़ करेंगे, तीन यूनिट है। एक बात तो है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन डालना पड़ेगा कि इसके लिए जब भी यूनिट आए देखना पड़ेगा कि कैसा यूनिट सिस्टम उसमें वहाँ पर दे रखा है, राइट। तो मैं आपको कन्वर्जन बता दूंगा कि सेंटीग्रेड से केल्विन फ़ारेनहाइट कैसे होगा, और या फिर जैसे कन्वर्जन है मतलब सेंटीग्रेड से केल्विन कैसे कर सकते हो, केल्विन से फ़ारेनहाइट, आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, राइट। अब चलते हैं पहले हम सेंटीग्रेड और केल्विन में। देखिए, हमें पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना होता है, 273.15 केल्विन, ये हमें पता है, सबको पता है। लेकिन अगर बात करें केल्विन फ़ारेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्जन करोगे, अगर हमें पता लग गया रिलेशन केल्विन का और सेंटीग्रेड का, मतलब अगर केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन पता लग गया तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं केल्विन का एंड सेंटीग्रेड का, राइट। तो चलिए चलते हैं वो रिलेशन देखने के लिए। तो हम बात करने वाले हैं कि फ़ारेनहाइट और मतलब बाकी जो बचा हुआ था केल्विन, सेंटीग्रेड और केल्विन, इनका जो रिलेशन क्या होता है बेसिकली। देखिए, हमें पता है C/5 F-32/9, ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का इम्प्लीमेंट करो सेंटीग्रेड टू केल्विन फ़ारेनहाइट में, आपका रिलेशन आ जाएगा। अगर सेंटीग्रेड दे रहेगा तो फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फ़ारेनहाइट देगा तो सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करो, इसको याद कर लो। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट कैसे है ये बताना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बिकॉज देखिए क्या है, आपका जो मतलब जो एग्जामिनेशन है, मैंने दिया हुआ ALP, मैंने दिया हुआ एग्ज़ाम, वो क्रैक था मेरा, उसमें आया हुआ था। ASM दिया हुआ है, वो भी क्रैक है मेरा, लेकिन उसमें भी आया हुआ था। प्लस SSC JEE में भी एग्ज़ाम में आया हुआ था। गेट में न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ें क्या होते हैं, काम के होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल के अंदर इसके कन्वर्जन काम के होते हैं। तो होपफुली कन्वर्जन आपको समझ में आया, राइट। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और भी छोटे छोटे टॉपिक है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट पर, फेसबुक पर, मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूँगा, राइट। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। बाय बाय।